नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। द टॉक शो साजन नायर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन। वेल, आई वुड लाइक टू अनाउंस टुडे दैट द कमिंग ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, हर ट्यूसडे को इस एपिसोड का चार भाग होगा। देयर बी फोर पार्ट्स टू इट, फोर एपिसोड्स, वन आफ्टर द अदर, एवरी ट्यूसडेज इन द मॉर्निंग 9:30 द रिलीज वाज, एंड द टॉपिक इज इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और योर फर्स्ट जॉब। सो इट इज पर्टेनिंग टू दिस कोर एरिया ऑफ वर्क और कोर एरिया ऑफ डिस्कशन वुड बी ज्ञान सेशंस वुड बी अबाउट योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो व्हाट आर द फोर पाथ्स गोइंग टू बी, आई विल टेल यू दैट, आई विल गिव अ ब्रीफ आइडिया इनटू इट। वन इज how is industrial training or internship different from a final placement? Okay, that's the first thing you should understand, that in terms of recruiter as well as you as an applicant, dono mein farak kya hai, final placement mein aur dusre mein internship mein. Dusri baat hai ki aap kaun se company mein intern karna chahiye, kahan par karna chahiye, company kaisi honi chahiye, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा कि कैसे कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जो जहां पर आप अपना पहला जॉब पहला इंटर्नशिप आप जो करने वाले हो। तीसरा एरिया होगा, आप ने मोस्ट ऑफ यू आइदर यू आर 18 और 20 और 23 और 24 इयर्स ओल्ड, ओके, मे बी दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग ऑन जॉब एज सच। सो व्हाट शुड यू डूज एंड डोंट्स, हाउ शुड यू look at your internship, I'm not talking about your job as such, the final placement, what should be your behavior in group when you go to the corporate world, okay, I'll be putting light into these areas in the 10 minutes that I take of yours as such in the Gyan sessions from the coming Tuesday onwards. So let's get on to business first and let's talk about internship and how internship is different from placements. Let's get it right, people. Internship, जब कंपनी आती है कॉलेज में या आप कंपनियों के पास जाते हो इंटरव्यू के लिए, और आप जब फाइनल प्लेसमेंट में जाते हो जो इंटरव्यू होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अंतर ये है कि जब फाइनल प्लेसमेंट होता है तो जब रिक्रूटर आपको इंटरव्यू करता है तो ये देखता है कि आप उनको कितना जल्दी कितना ज़्यादा कमा के दे सकते हो, आप तैयार हो क्या उसके लिए। जैसे आम पकता है ऐसे, एज फ्रॉम अ स्टूडेंट, हैव यू बीन गुड इनफ टू बिकम अ प्रोफेशनल, एंड हाउ आई एम द इंटरव्यू आई एम लुकिंग आउट फॉर, हाउ सून विल यू बी अर्निंग मनी फॉर मी। वेयर एज इंटर्नशिप ऐसा नहीं है, द रिक्रूटर, द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन हैज कम फॉर ऑफरिंग इंटर्नशिप इज जस्ट फुलफिलिंग इट्स सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। कहीं पर भी कोई लॉ में लिख के नहीं रखा है कि कंपनियों को लेना ही है वरना नहीं, ऐसा कहीं पर लिख के नहीं रखा है। उन लोग इसके लिए आते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि यंग ब्लड को भी एक मौका दिया जाए, यंग ब्लड भी अपने टीम में आए, वो भी सीखे, वो भी आगे बढ़े। और एक बात याद रखना, एज टाइम इज गोइंग बाय, जैसा टाइम जा रहा है, एजुकेशन इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स एंड इवन द इंडस्ट्री इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स। जो 20 साल पहले जब मैंने इंटर्नशिप किया था और अभी जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। Why it is getting complex? Because the demand from the corporate managers are very high. And at the same time, what expectations, wrong direction expectations the students have is in a different altitude altogether. दोनों rhyme नहीं होता है। इसके लिए किसी एक को तो बदलना पड़ेगा ताकि अपने लिए अच्छा हो। तो वो लोग बदलने से अच्छा है कि हम बदले। हम कैसे बदले, हम कैसे देखें उसको। आपको लगता है कि आपको इंटर्नशिप मिला है क्योंकि आप एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, आप एकदम ब्रिलियंट हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हो, आपका एकेडमिक्स एकदम स्ट्रांग है, आई एम अ स्मार्ट इंडिविजुअल, दैट इज व्हाई आई गॉट द जॉब एज इंटर्न। एब्सोल्युटली नॉट, डोंट बी इन अ मिस्टेक ऑफ दैट काइंड। व्हेन आई कम टू रिक्रूट यू ऑल फॉर इंटर्नशिप गाइस, आई कम विद अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट। What I look out for is not your technical knowledge, कि आपको कितना मालूम है टेक्निकली क्या है,
कौन से सब्जेक्ट में क्या है करके, आप किस तरीके से आप अपना जॉब एग्जीक्यूट करोगे, आप कितना पैसा आप मुझे कमा के दोगे 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, ये सारी चीजें मैं देखता ही नहीं हूँ यार, समझो। आई डोंट लुक एट ऑल दिस थिंग्स व्हेन आई कम टू रिक्रूटर एज अ रिक्रूटर फॉर इंटर्नशिप। माई ओनली आउटलुक इज हाउ इज द इंडिविजुअल हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एज अ ह्यूमन बींग, इन अ सेंस वेदर द पर्सन इज हार्ड वर्किंग, वेदर द पर्सन इज टेकिंग इनिशिएटिव। मतलब ये है कि अगर कुछ दबाव आ गया, प्रेशर आ गया, तो क्या आप हट जाते हो या नहीं? बोलते नहीं, मैं एक्स्ट्रा टाइम डालूंगी, एक्स्ट्रा टाइम डालूंगा और भी जोर से काम करूंगा ताकि मैं सीख पाऊं काम। वो चाहत है क्या सीखने का, वो इनिशिएटिव का नेचर है आप में है क्या नहीं, आप टीम प्लेयर हो कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। टीम प्लेयर कैसे, अगर आपके इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअली आप सब सब टाइम क्लास में क्रिटिसाइज करते हो, आप क्लास में टीचर्स के सबके सबके जोक बनाते हो, फ्रेंड्स के जोक बनाते हो, ऐसा बंदा जब काम पे जाता है उसका माइंडसेट विल बी द सेम, वहां पर भी जाके उन लोगों का वो मजाक उड़ाएगा। यू कैन नॉट बी अ टीम प्लेयर बाय बाय क्रिटिसाइजिंग और बीइंग सरकास्टिक अबाउट समवन, दैट्स योर नेचर, हाउ एग्जैक्टली यू आर एज ए इंडिविजुअल। सो इन इंटर्नशिप आई एम लुकिंग आउट फॉर दैट गुड नेचर पीपल एज यंगस्टर्स, यंग ब्लड हु कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन माई टीम। ये आउटलुक लेके मैं आता हूं। तो जब आप वो इंटरव्यू जा रहे हो, तो आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, आपको ये जताना है सर मैं काम करूंगा, पैसा पैसा मैं एज ए ग्रो एज ए गेट इन टू द प्रोफेशन आई एम श्योर एंड डेफिनेट मेक मनी। आज मेरा प्रायोरिटी है कि मैं काम सीखे, आज मेरा प्रायोरिटी है कि मैं एक टीम के साथ रहकर सीखूं कि कैसे कस्टमर्स क्या होते हैं। मैं आज से कस्टमर्स को नहीं देखा है, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल थियोरी में सीखा है कि क्या होता है कस्टमर सर्विस, क्या होता है टेलीफोन मैनरिज्म, क्या होता है प्रोडक्ट नॉलेज। उसको एग्जीक्यूट करने का मौका आपने मुझे दिया है, पहला मौका। तो अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं उस मौका को गवाऊंगा नहीं, मैं मेरा बेस्ट करूंगा। अगर आप ये मैसेज आप दे पाते हो अपने अपने इंटरव्यूअर को कि बॉस दिस इज व्हाट आई एम एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग, ऑलराइट, द रेस्ट विल फॉलो। द कंपनी इज रेडी टू इन्वेस्ट ऑन यू, द कंपनी इज रेडी टू इन्वेस्ट ऑन यू 2 मोर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स इज कंसर्न, सो दे आर टेकिंग दैट चार्ज, इजंट इट? एंड वन मोर थिंग पीपल, स्टूडेंट्स, यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इंटर्नशिप इजंट इट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यू अंडरस्टैंड वन थिंग, द कंपनी टेक्स यू ऑन ट्रेनिंग, ओके, इट स्पेंड्स 2 और 3 मंथ्स विद यू, सम ऑफ द कंपनीज इवन पे यू सम स्मॉल अमाउंट, मे बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट एज स्टाइफन एक्सेप्टेड, ओके, एंड आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर ऑल द लर्निंग ऑफ ऑल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी एंड थिंग्स लाइक दैट, देन यू बिड देम गुड बाय आफ्टर 3 मंथ्स। सो वाई आर दे स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड मनी ऑन यू इज समथिंग दैट यू गॉट टू थिंक अबाउट। सो इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, द कंपनीज 50 100 शुड हैव बीन प्लेस्ड, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। So at the company's end, you got to think like that. What are they looking out for, and what do I have in me to offer them? And not in technical knowledge, in terms as a human being. How are you? Are you a person who takes initiative? सामने से आके काम, ये सर बताइए मैं क्या काम करना है। ऐसे लोग is acceptable in a team. तो सीधी सी बात है, it's your first job. Okay, quite a few people, it will be a first job. And always, let me tell you this also, a first job is like falling in love for the first time. You know why? Because whatever you do for 3 or 4 months in the first internship job, okay, will be there in your memories forever after. I did my internship 20, 25 years ago. I've done many jobs after that, but that special place for the first job remains there itself. What I learned from there, what I understood from there, what applications I got, how I built my personality as an individual, okay, they are something lessons that will never, never, ever go away from you. You will only build on that as such. So yes, this is how I think you should look out for an interview, okay? Since they are ready to pay, they're ready to spend time with you in teaching you the technical details, when an interview comes, in a nutshell, I would say, showing your best as a human being. If you're able to communicate that, the rest will follow by itself. Yeah? So I believe the objective of why you're giving the interview internship in internship is quite clear now. The next GAN session, I will talk about
I will talk about what kind of an organization should you work in your internship. How should you select your company? How should you say this is a company I want to work for? There's a lot of confusion among the minds of the young minds is concerned. So in the next lecture, in the next Gyan session, the next Tuesday, I will talk to you about it. As such, which company should you select for your internship? All right. See you then. Goodbye. And do keep watching and subscribing and sharing this information, because I believe I have a small chunk of students whom I have access to, but if you share, it may reach to many other people who would like to know about internship mein kya karna chahiye, internship mein kaise rehna chahiye, internship ka goal kya, aap ultimately kya karna chahte ho internship ke saath 4 mahine ya 3 mahine mein, ye sare cheeze har student ke paas pahunchna chahiye, ye mera dil se chaah hai. All right, thank you.